नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र, अभी तक हम लोगों ने उद्यमेश्वर तंत्र के सफर में नौ यक्षिणियों की साधना के बारे में व्याख्यान जाना है। सबसे पहले जो यक्षिणी थी उद्यमेश्वर तंत्र में वो विचित्रा थी, उसके बाद हम लोगों ने विभ्रमा किया, फिर हमसी किया, भीषणी किया, जनरंजिका किया, विशाला किया, मदना किया, घंटा, और अंतिम जो हम लोगों ने किया था वो कालकारिणी थी। आज जिस यक्षिणी की हम बात करेंगे उनका नाम है महाभया। महाभया का मतलब होता है जिसको देख के बहुत डर लगे, ठीक है। महाभया जो यक्षिणी है प्रेत योनि की यक्षिणी है और हड्डियों के ढेर पे बैठती है शमशान में, ठीक है। इनकी साधना थोड़ी और यक्षिणियों की साधना से अलग है। इनकी साधना का समय, दिन, तिथि तय होता है और इनकी साधना सर्वोत्तम होता है कि शमशान में किया जाए। मतलब शमशान का मतलब बिल्कुल शमशान में नहीं, शमशान से सटे हुए इलाके में भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा शमशान जो यूज ना हो रहा हो, ठीक है, ऐसी जगह पे आप कर सकते हैं। अगर वो व्यवस्था ना मिल पाए तो घर के किसी ऐसे कोने में इस साधना को करें जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को एक यक्षिणी की साधना दी थी जिससे कि किसी को भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो तो वो ठीक होता था, और साथ ही एक ऐसा आपको हम मैंने आपको यक्षिणी की साधना दी थी जो कि तत्व विज्ञान में बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ाता है। महाभया एक ऐसी यक्षिणी है जिनका नाम महाभया है, जो रहती भी बहुत भयंकर है, लेकिन इनका काम है आपको आपके काया को कल्प कर देना। मतलब अगर आप लोगों के पास मतलब बहुत ज़्यादा आपका उम्र बढ़ रहा हो या फिर एज से ज़्यादा आप दिख रहे हो तो आप लोगों के लिए महायक्षिणी साधना बहुत सर्वोत्तम है। इससे क्या होता है कि महाभया यक्षिणी जैसे सिद्ध होती है ना तो आप अपने उम्र से जवान दिखने लगते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही असाध्य रोग से पीड़ित है, ठीक है, जिसकी जिसका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग भी महाभया यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। कायाकल्प साधना मुझसे कई लोगों ने मांगा था, तो एक तरह से आप मान लीजिए कि यही कायाकल्प साधना है, क्योंकि जो मुख्य कायाकल्प साधना है वो साधकों के लिए होता है, वो फ्री फॉर एवरीबॉडी नहीं है, वो हर लोग इंसान के लिए नहीं, वो बड़ा स्पेशल साधना होता है। और कायाकल्प साधना मूलतः उन साधकों को दिया जाता है जिनको लंबे आयु तक साधना करना होता है, जैसे 130 साल, एक कोई 300-350 साल तक साधक रहते हैं तो उनके लिए होता है। लेकिन एक आम जनमानस के लिए महाभया जो यक्षिणी साधना है वो कायाकल्प का काम करती है। तो महाभया यक्षिणी साधना में थोड़ी सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको यक्षिणी यंत्र रखना होगा, यक्षिणी यंत्र हर जगह मिल जाता है, यक्षिणी माला रखना होगा, यक्षिणी माला भी आप लोगों को लोकल मार्केट में मिल जाएगा, आसन आपका सिद्ध होना चाहिए, श्रृंगार की सामग्री रखिएगा, रक्षा सूत्र रखिएगा, चिरमी के दाने रखिएगा, ठीक है, और यक्षिणी गुटिका आपको मिल जाएगी, ये सारे सामान रखिएगा। महाभया यक्षिणी साधना कब हो सकता है? तो शुक्रवार से, या फिर कल जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन भी आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं। अगर शमशान में आप कर सकते हैं तो बहुत उत्तम बात है, ठीक है, और शमशान में नहीं कर रहे हैं तो अपने घर के पूजा स्थल पर करिए, या ऐसी जगह पर जहाँ पर अगर उस कमरे को आप बंद कर दिए तो 21 दिन तक उस कमरे में कोई ना आए, ऐसे जगह पर। तो सबसे पहले धूप दीप आप वहाँ पे जला ले, ठीक है, दीपक जो है वो सरसों के तेल का रहेगा, ठीक है। जिस दिन से भी आप इस साधना को शुरू करेंगे उससे 21 दिन तक आपको रोज़ इसका जाप करना है, और हर रोज़ इसका 10,000 जाप आप करेंगे, ठीक है। तो इस यक्षिणी साधना का मैं मंत्र अब आपको बता रहा हूँ, 3 बार इसके मंत्र को मैं आपको बताऊंगा, आप इसको ढंग से सुनिएगा। मंत्र है ओम द्रिम महाभये प्रेम स्वाहा, ओम द्रिम महाभये प्रेम स्वाहा, एक बार और सुनिए, ओम द्रिम महाभये प्रेम स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र को करने से आपको बहुत फायदा होगा, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई असाध्य रोग से अगर आप ग्रसित हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उसके अलावा अगर आप उम्र से पहले बुढ़ापे से ग्रसित हो रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या झुर्रियाँ आ रही हैं,
तो उससे भी ये बाहर निकालती है। तो जैसे आपने 21 दिन तक 10-10 हज़ार जाप कर लिया, उसके बाद हर रोज आप इसका एक माला का जाप कीजिएगा, तो जो उम्र ज्यादा आना या उम्र से पहले आप उम्रदार दिखने लगे हैं, ये सब जितने भी विषय हैं ये इस यक्षिणी की साधना से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा दूसरा कि ये यक्षिणी बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, तो एक गृहस्थ भी इनकी साधना कर सकता है। इनको माँ स्वरूप में प्राप्त कीजिएगा और इनको माँ की तरह रखिएगा। ठीक, जब भी कुछ फेस्टिवल हो या घर में कुछ आपके घर में कुछ भी आयोजन हो, तो इनको जरूर वस्त्र आदि जो भी होता है, भोजन होता है, वो इनके नाम से जरूर चढ़ाइएगा। तो आपको कभी भी मतलब ये आरोग्य रखेंगी, उम्र के मार से आप बाहर रहिएगा, है ना। और एल्केमी का भी ये कुछ कुछ आपको शक्ति देती हैं, मतलब जो तत्व विज्ञान है उसमें भी ये आपको पारंगत करती हैं, अगर आप ठीक से इनकी सेवा हमेशा करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार महेंद्री यक्षिणी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। महेंद्री यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जिनका विष्णु का उनको उन पर बहुत कृपा है। ठीक है, तो उनकी साधना जब भी होगी ना, तो तुलसी के पेड़ के पास होती है, और उनकी साधना से क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी वाहन के। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को साधना करना है तो मेरे मेरा पेड ग्रुप है साधना का, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, उसके लिए मुझसे संपर्क करें। अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको रुद्रनाथ मिलेंगे, मतलब तो मैं, और उसमें कॉल का ऑप्शन रहेगा, तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantrahasya.xyz उसमें जाइएगा, तो अपॉइंटमेंट सेक्शन है, उसमें आप अपना एक अपॉइंटमेंट सेट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश। एक बात और, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।